भारत विभिन्न भाषाओं का देश है, जहाँ पर विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। लेकिन इस देश में संगीत की बात की जाए तो ज़्यादातर तीन भाषाओं के संगीत सबसे ज़्यादा चलन में आते हैं। भारत में ज़्यादातर हिंदी, बॉलीवुड, पंजाबी और हरियाणवी संगीत ज़्यादातर चलते हैं। लेकिन बात की जाए हरियाणा की, तो हम आपको बता दें कि हरियाणा के अंदर हरियाणी गाने के अलावा दूसरी भाषा का गाना नहीं चलता है। और जब बात हरियाणी संगीत की आती है, तो इस समय हरियाणा के अंदर एक ही संगीतकार सबसे ज़्यादा फेमस है। उस संगीतकार का नाम है गुलजार सन्नीवाला। जी हाँ दोस्तों, अगर आप गुलजार भाई की बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। साथ ही अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें। गुलजार सन्नीवाला वैसे मूल रूप से हरियाणा के रहने वाले हैं, लेकिन इनका अब तक का सफ़र राजस्थान से होकर गुजरा है। गुलजार छन्नीवाला का जन्म 12 सितंबर 1997 को हरियाणा राज्य के छोटे से शहर भिवानी में हुआ था। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि इनका अब तक का सफ़र राजस्थान में हुआ है, वो इसलिए कि जब गुलजार छन्नीवाला 4 वर्ष के थे तो किसी कारण से इनकी फैमिली राजस्थान के छन्नी विलेज में शिफ्ट हो गई थी। गुलजार छन्नीवाला ने 10वीं कक्षा की पढ़ाई राजस्थान के छन्नी स्कूल से ही की। इसके बाद इन्होंने 11वीं और 12वीं की पढ़ाई जालंधर से पूरी करी है। गुलजार छन्नीवाला का बचपन से सपना था कि वह कनाडा, सिंगापुर जैसे देशों में जाकर जॉब करे, लेकिन गुलजार की किस्मत में सिंगर बनना लिखा था। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि कैसे गुलजार ने हरियाणी संगीत इंडस्ट्रीज में अपना नाम बनाया है। एक दिन गुलजार ने स्कूल में छोटा सा कार्यक्रम था जिसमें गुलजार ने केडी के रेप्स पर डांस किया था, तो वहीं से गुलजार के अंदर एक संगीतकार और एक कलाकार बनने की इच्छा जागी और गुलजार ने सबसे पहले पंजाबी सॉन्ग्स में अपना कदम रखा। लेकिन पंजाबी संगीत में बहुत कंपटीशन था और ये सोचकर गुलजार ने फिर हरियाणा के संगीत लिखने शुरू किए। लेकिन इन्होंने सोनाटक जैसे ब्रांड पर अपने गाने रिलीज नहीं किए, जिससे इन्हें ज़्यादा कामयाबी नहीं मिली। लेकिन गुलजार ने अभी हार नहीं मानी थी। गुलजार को वो एक ऐसा गाना चाहिए था जो गुलजार को रातों रात हरियाणा का स्टार बना सके। गुलजार ने अपना पहला गाना फाड़ पाड़ का ऑडियो बनाया और अपने दोस्तों को सुनाया और गुलजार के दोस्तों ने इस गाने की काफ़ी तारीफ की और गुलजार को इसकी वीडियो बनाने के लिए भी समझाया। लेकिन गुलजार के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो इस गाने की कोई वीडियो बना सके और इसको यूट्यूब पर किसी बड़े चैनल पर रिलीज़ कर सके। फिर गुलजार ने अपने दोस्तों के साथ कुछ पैसे जमा करके इस गाने की वीडियो रिकॉर्ड करने जालंधर चले गए। फिर गुलजार ने अपना गाना फाड़ फाड़ यूट्यूब पर रिलीज़ किया और उस गाने को कुछ हद तक लोगों ने पसंद भी किया। इस गाने पर 11 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ भी हैं। आपको गुलजार छन्नीवाला की सक्सेस स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएँ।